2020 आ चुका है एंड ऐसे ही वो टाइम दूर नहीं जब हम मिड सेंचुरी यानी 2050 में एंटर करेंगे। 2050 तक हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट सिटीज और पता नहीं क्या क्या होगा, बट ह्यूमैनिटी अभी भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है एंड लगता नहीं 2050 तक इन इश्यूज का कोई सोल्यूशन निकल सकता है। आप देख रहे हैं एसएलवी लर्निंग चैनल एंड आइए देखते हैं 2050 में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स इफ टेक्नोलॉजी इन्हें सॉल्व नहीं कर पाती है तो। सबसे पहले पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। 2050 तक नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज ट्रिपल हो सकते हैं। 1950 में सिर्फ 750 मिलियन पीपल सिटीज में रहते थे, बट अब ये बढ़कर 4 बिलियन तक हो चुका है एंड बाय 2050 इनका नंबर 6.3 बिलियन तक होने की उम्मीद है। हमारी एयर प्योर एयर प्योर ओके जोक्स अपार्ट, एयर और भी ठीक हो सकती है एंड पॉल्यूशन की वजह से बिकॉज ऑफ कार्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एंड हेंस नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड लंग डिजीजेस भी बढ़ जाएंगे। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिवाली पे अभी से आप 50 सिगरेट्स के आसपास स्मोक अप कर लेते हैं तो 2050 तक तो खैर। नेक्स्ट, हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास वाटर का एडिक्वेट एक्सेस नहीं रहेगा। अभी से अराउंड 2.7 बिलियन पीपल यानी 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को या तो पीने के लिए पानी नहीं मिलता, मिलता है तो कम एंड गंदा पानी। सो 2050 तक पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ होगी एंड हेंस पानी भी पता नहीं कहाँ ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन को हम कैसे भूल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल अक्रॉस द ग्लोब हाई राइज पर है एंड सो 2050 तक तो फ्लडिंग 30 डेज पर ईयर होने की एक्सपेक्टेशंस है एंड बाय 2100 कैलकटा, बॉम्बे, न्यूयॉर्क सिटी जैसे सिटीज पानी के अंदर ही होंगी इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अनचेक्ड रहा ऐसे ही तो। अर्थ और हॉट हो जाएगी एंड हेंस 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज कर सकता है, रिजल्टिंग इन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑन 520 मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन अराउंड 2% तक गिर जाएगी। 2% ही तो है, बट अगर हम इन स्टैट्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अभी से नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम अराउंड 44,04,000 मेट्रिक टन ऑफ फूड लूज कर देंगे एंड हेंस प्राइस ऑफ आइटम्स लाइक कॉर्न्स, व्हीट, राइस विल बी डबल। अभी कितने लोगों को खाना नहीं मिल पाता एंड ये सब होने के बाद तो पता नहीं कितने लोगों को और खाना नहीं मिलेगा। एंड फाइनली टेम्परेचर बढ़ने से एक और चीज़ होती है, फॉरेस्ट स्पेशली रेन फॉरेस्ट में फायर इंसिडेंट्स और ज़्यादा होंगे जिससे हमें सिर्फ लॉस एंड लॉस ही होगा ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज। सो अगर बाय चांस 2050 तक कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, maybe we all need to face problems like these. खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।